हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 मार्च 2019 की प्रीलिम्स सेपरेटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक को लेके है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया यूएन इन्वायरमेंट, दूसरा दिया गया ग्रीन पीस, तीसरा दिया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, चौथा दिया गया है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी। तो देखो, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है यूएन इन्वायरमेंट के द्वारा। ये हमें पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट है वो न्यूज़ में भी आई थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है या काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है एग्जाम के नज़रिए से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंटरएक्सेस राउटर्स कन्वेंशन को लिखे हैं। हमें इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए और हमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट इज एन यूएन कन्वेंशन एम टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजिट थ्रू ए सिंप्लीफाइड कस्टम्स ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया रेक्टिफाइड द टीआईआर कन्वेंशन इन 2017। तो ये अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन इंटरेक्स राउटर्स जो कन्वेंशन है ना, जो टीआईआर कन्वेंशन है ना, ये इंडिया ने 2017 में रेक्टिफाई की थी। बिल्कुल सही है। अभी ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था ना, तो इसके बाद अफगानिस्तान से इंडिया में पहला जो कॉरिडोर बोल सकते हो कि पहला सामान शिपमेंट है वो अभी पहुंचा है अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में। तो उसी को लेके आया कि चाबहार पोर्ट के रास्ते होते होते इंडिया में पहला शिपमेंट है पहुंचा है इस ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही कि यूएन की कन्वेंशन है। देखो, अगर मैं आपको साफ साफ बोलूं सीधे सीधी लैंग्वेज में, तो इसका मोटो ये है कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड है ना वो काफ़ी स्मूथली हो सके, स्मूथ ट्रेड हो सके, ताकि ट्रेड अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इसके साथ ही डेवलपमेंट है उसको भी सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसीलिए ये कन्वेंशन है वो साइन की गई है इंडिया के द्वारा 2017 में रेक्टिफाई की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कूल स्पॉट है उसका सही मीनिंग क्या होता है। कूल स्पॉट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप बताइए कूल स्पॉट होता क्या है। देखो, जो कूल स्पॉट है ना वो मैं आपको बताऊं, कूल स्पॉट मेनली वो एरिया होता है, वो स्पॉट या वो क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है कोई भी स्पीसीज है ना उसको इफेक्ट नहीं करता, मतलब वहाँ पे उसके कोई भी हस्तक्षेप ना हो। जैसे मान लो कि ये एग्जांपल थोड़ा समझे, जैसे कि कोई भी नेशनल पार्क होता है, एग्जांपल समझ रहे हैं क्या, टेक्निकल नजरिए से सही नहीं है वैसे, कि कोई भी जैसे नेशनल पार्क इसका जो कोर एरिया है इसमें आपको पता है कि जो स्पेसिस होती है वो काफ़ी सेफ होती है क्योंकि यहाँ पे किसी का हस्तक्षेप है वो नहीं होता है। बट अगर आप वहीं पर देखो, ये भी एक तरीके से कूल स्पॉट आप बोल सकते हो, बट इसमें दिक्कत क्या है क्योंकि आसपास के एरिया में काफ़ी बार पोचिंग वगैरह के केसेस देखे जाते हैं। बट वहीं आप देखो, कुछ आप ही ऐसा दुर्गम एरिया हो, जैसे मान लो कि हिमालय का कुछ ऐसा दुर्गम एरिया हो पहाड़ी, कि जिस एरिया में इंसान की पहुंच ही ना हो, मतलब वहाँ पे इंसान बहुत कम ही जाता हो रेयरेस्ट केस में, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, एक तरह से कूल स्पॉट हो जाएगा कि भाई वहाँ पे स्पीसीज हैं वो आराम से फ्रीली रह सकती हैं, मतलब उनको बाहरी दुनिया का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो उस एरिया को बेसिकली कूल स्पॉट के नाम से जानते हैं, मतलब वो रीजन जहाँ पे स्पीसीज हैं वो लार्ज अनइफेक्टेड, मतलब किसी भी तरीके से इफेक्टेड नहीं होती हैं और खतरे से फ्री होती हैं, आराम से वो विचरण कर सकती हैं, आराम से अपनी लाइफ है वो जीवन व्यतीत कर सकती हैं। तो उस एरिया को कूल स्पॉट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो पूछा गया कि ये जो भारत रत्न है, यहाँ पे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, पद्म भूषण है, इनको हमें सही डायरेक्शन में अरेंज करना है, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, फिर उससे कम छोटा, धीरे धीरे लास्ट में सबसे छोटे पुरस्कार की तरफ। तो देखो, ये आपको मैं बता भी दूँ, यूपीएससी में भी पूछ सकती है। सबसे बड़ा जो भारत में प्राइज होता है वो होता है भारत रत्न, इसके बाद में आता है पद्मवीर चक्र, और इसके बाद में आता है अशोक चक्र, इसके बाद में आता है पद्म विभूषण, इसके बाद में आता है पद्म भूषण, इसके बाद में आता है यहाँ पे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, और इसके बाद में आता है परम युद्ध सेवा मेडल, और इसके बाद में आता है महावीर चक्र, और इसके बाद में आता है कीर्ति चक्र, और पद्म श्री वो आता है 10th नंबर पे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, इनकी यूपीएससी सिक्वेंसिंग वगैरह पूछ सकती है। सबसे बड़ा जो भारत में अवार्ड है, सम्मान है, वो जाता है भारत रत्न, इसके बाद में पद्मवीर चक्र, और बाद में अशोक चक्र। तो एटलीस्ट ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे स्टार्टिंग की है 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, वो उसमें आपको पेयरिंग दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयरिंग। पहला दिया गया है यहाँ पे इदलिब जो सीरिया कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा दिया गया है यहाँ पे सोलोमोन आइसलैंड, ये दिया गया है अटलांटिक ओशियन, तीसरा दिया गया है अदीस अबाब, ये दिया गया यमन। अब हमें पूछा है यहाँ पे इनकरेक्टली मैच कौन सा भैसा वो बताइए। तो आप एक बार सोचिए, हमने अदीस अबीब के बारे में अभी डिस्कस भी किया था। अदीस अबाब देखो, आपको पता होगा
कि इथोपिया की कैपिटल है जहाँ पे भी फ्लाइट क्रेश हो गई थी बोइंग का जो विमान, और उसके बाद में काफी न्यूज में भी रहा है। तो वो तो यमन में तो कहाँ होगा, यमन तो भाई कहाँ ऊपर है वेस्ट एशिया में, यमन तो और अद्दीस अभी कहाँ अफ्रीका में, तो मतलब इनका तो कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा तो साफ साफ गलत है। अगर आप देखो तीसरा अगर गलत है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन देखिए आप, तीसरा गलत है इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तीसरा अकेला तो है ही नहीं कहीं भी, दूसरा और तीसरा दोनों साथ हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, या बोल सकते हो कि सोलोमन आइलैंड भी गलत है और अदीस अबीब भी गलत है। अगर वही पूछता सही कौन सा है तो सही हो जाता सीरिया में अदलिब सिटी है, ये भी न्यूज में थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा कि सेकंड और थर्ड है वो गलत है। देखो जो सोलोमन आइलैंड है ये है वैसे पैसिफिक ओशियन में, और जो यहाँ पे ये अदीस अबीब है ये आपको पता है इथोपिया की कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आज का हमारा आर्टिकल आया है वो है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। थोड़ा नाम से पता चल रहा होगा आपको कि स्टेट है वो एनर्जी को लेकर कितना कितना प्रिपेयर्ड है, किस तरीके से उन्होंने एक्शन लिए हैं, कैसे उन्होंने अचीवमेंट वगैरह किए हैं, उन सबको लेके इंडेक्स है वो जारी किया जाएगा, जारी किया जाता है सॉरी इसमें इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स वैसे एक्टिव फॉर्म में है। ये इंडेक्स बेसिकली पब्लिश किया गया, बनाया गया किसके द्वारा, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी यानी ACEE, और इसी के साथ ही गाइडेंस इसको मिला है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको पता है कि इंडिया की एक स्टेचुरी बॉडी है, इसके साथ ही नीति आयोग है। तो नीति आयोग और BEE इन दोनों ने मिलकर सपोर्ट किया ACEE को, और फिर ये इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया गया ACEE के द्वारा। ये है बेसिक मैन मैन इसका कंटेक्स्ट था, मतलब सार। ये इंडेक्स आपको ध्यान में रखना है, इसमें इंडिया के 29 स्टेट्स और जो दिल्ली कैपिटल वाला एरिया है NCR वाला दिल्ली कैपिटल रीजन उसको भी इंक्लूड यहाँ पे किया गया, मतलब NCR और प्लस 29 स्टेट में टोटल 30 को इसमें शामिल यहाँ पे किया गया, यूनियन टेरेटरीज में शामिल नहीं है। अब इसमें होता क्या है, इस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का मेन मेन मोटो ये है कि लगभग 63 ऐसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और जो आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर देखा जाएगा कि भाई स्टेट है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके के उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और किस तरीके की मतलब उनमें गवर्नेंस चलाई जा रही है। बिल्डिंग को देखा जाएगा, इंडस्ट्री हुई, म्यूनिसिपल पार्टीज हुई, इसके साथ ट्रांसपोर्ट हुआ, एग्रीकल्चर, इन सारे सेक्टर को देखा जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर एफिशिएंसी के लिए कैसा काम है वो किया जा रहा है, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट वगैरह प्राप्त किए हैं, इस आधार पर इंडेक्स है वो जारी किया जाएगा। अब इसमें जो इंडेक्स जो जारी किया जाएगा उसमें स्टेट को बेसिकली चार भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो कर दिया जाएगा फ्रंट रनर्स, इसके बाद में अचीवर्स, और इसके बाद में यहाँ पे कंटेंडर, और इसके बाद में एस्पिरेंट। तो इन चार कैटेगरिया में फिर स्टेट को डिवाइड कर जाएंगे रैंकिंग के बेसिस पे कि भाई रनर्स में कौन सा है, फ्रंट रनर में टॉप में कौन से हैं, अचीवर्स में कौन से हैं सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंटेंडर पे कौन से हैं, और यहाँ पे फिर आएगा फोर्थ एस्पिरेंट के तौर पर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोजेक्ट वर्षाधारी। देखो आपको पता है कि इंडिया में बारिश है वो काफी इनरेगुलर हो गई है, तो सूखे से निपटने के लिए यहाँ बोल सकते हैं कि अच्छी बारिश करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट वर्षाधारी है वो अनाउंस है वो किया गया है। प्रोजेक्ट वर्षाधारी में होगा क्या कि आर्टिफिशियल तरीके से हम बोल के क्लाउड सीडिंग मेथड के तहत बारिश है वो की जाएगी, मतलब आर्टिफिशियल बारिश है वो करवाई जाएगी। अब इसमें देखो आपको कुछ एक चीज ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल बारिश या हम क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उसमें होता क्या है कि प्लेन के थ्रू जो केमिकल होता है सिल्वर आयोडाइड उसको क्या है मतलब जो वातावरण में पहुंच के और उसको छिड़काव कर जाता है, फिर उससे बारिश है वो होती है। होता क्या है इसमें जो सिल्वर आयोडाइड होता है ना ये जो ही एक्चुअली वातावरण में आता है तो ये क्या करता है आसपास जो पानी की बूंदा है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सही मान लो कि ये सिल्वर आयोडाइड का एक कण है, ये छोटे छोटे इसके पार्टिकुलर हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा इसके आसपास पानी की बूंदे आके मतलब पानी है ह्यूमिडिटी आके जमा हो जाएगी तो ये बड़ी बड़ी बूंदे बन जाएंगी और फिर बास की फॉर्म में नीचे वो गिरती हैं। ये होता है सिल्वर हाइड्राइड का मेथड, या हम बोलेंगे कृत्रिम वर्षा या फिर क्लाउड सीडिंग मेथड। तो क्लाउड सीडिंग मेथड में हमें ध्यान रखना है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज है वो किया जाता है बारिश करवाने के लिए, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पिंक टैक्स को लेके। क्या है पिंक टैक्स, देखो बेसिकली न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ये पता चला कि जो वुमेन के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो मेल के कंपेरिजन में काफी महंगे होते हैं। जैसे कि नॉर्मली देखा गया कि 7% उनकी रेट है वो ज्यादा होती है, इसको जो 7% ज्यादा इसी को नॉर्मली पिंक टैक्स का नाम है वो दिया गया है। मेनली जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं इनमें ये डिफरेंस काफी ज्यादा मिलता है, मतलब मेन के प्रोडक्ट हैं वो वुमेन से सस्ते होते हैं और वुमेन के प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं। देखो पिंक टैक्स वैसे एक तरह का इनविजिबल कॉस्ट है जो कि वुमेन द्वारा पे की जाती है, वो प्रोडक्ट जो मेनली उनके लिए डिजाइन है वो किए जाते हैं। जैसे काफी बार स्टडी वगैरह की गई है तो उस सर्वे स्टडी वगैरह तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट हमें पता होना चाहिए पिंक टैक्स क्या है।
जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया था कि एक कंपनी ने भी रिसेंटली सर्वे किया था न्यूयॉर्क में, तो जो मेल के लिए जो रेजर आता है सेविंग के लिए उसकी जो रेट थी और वो फीमेल के लिए जो रेट थी उनमें काफी डिफरेंस था। मेल के लिए जो रीयूजेबल जो था रेजर था उसकी रेट थी 20 रुपए और वहीं फीमेल के लिए थी उसकी रेट 55। तो काफी ऐसा डिफरेंस दिखा रहा है कि भाई वुमेन को एक्स्ट्रा पे करना आता है और उसी को पिंक टैक्स का नाम है वो दिया गया। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि पिंक टैक्स है क्या, कि यूपीएससी पूछ ले गवर्नमेंट वगैरह लगाती है क्या क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स का मतलब क्या है, विश्व में कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन सा एरिया वो रहने लायक है लायबिलिटी के नजरिए से। यह पब्लिश किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा, यह ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो इकोनॉमिक एक तरीके का एक ग्रुप है जो बनाया गया है। इस इंडेक्स में हुआ क्या है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना उसको नंबर 1 सिटी का दर्जा दिया गया जो कि रहने लायक है, रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा गया है। और ये जो इंडेक्स है कौन से पैरामीटर के आधार पर जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है सिक्योरिटी अफोर्डेबिलिटी, आप वहाँ पे रिसोर्स को अफोर्ड किस तरीके से कर पा रहे हो, इसके साथ एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है और अर्बन लाइफस्टाइल कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन क्राइटेरिया के बेसिस पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडिया की कोई भी सिटी है वो टॉप 100 में नहीं है। इंडिया की दिल्ली जो सिटी है न्यू दिल्ली वो 112 नंबर पे और मुंबई है वो 117 नंबर पे है, जबकि सीरिया की जो कैपिटल है दशमिक वो सबसे नीचे या लोअर रैंक पे रही है और बांग्लादेश की ढाका कैपिटल ढाका है वो सेकंड लास्ट रही है और कराची है वो नीचे से चौथे रैंक पे रही है। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है। इसी के साथ हम इंडिया का भी देखते हैं कि इंडिया में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है। देखो इंडिया में जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, और इस बार 2018 का जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें 111 सिटीज को शामिल किया गया था। उसमें नंबर 1 पे पुणे रही थी, सेकंड नंबर पे नवी मुंबई, थर्ड नंबर पे ग्रेटर मुंबई। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। सबसे लास्ट रैंक मिली थी उत्तर प्रदेश के रामपुर सिटी को। तो ये था एज ऑफ लिविंग इंडेक्स इंडिया का। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आसाम के अंदर है, इतना ही बस, बहुत ज्यादा तो कुछ काम का है नहीं हमारे लिए ये। देखो वैसे न्यूज में था इसलिए वो बता देता हूँ आपको ताकि जल्दी याद हो जाए। जो आसाम के अंदर ये अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके पास वाले एरिया में ही क्या था, वहां पे एक नरेगी कैंटोनमेंट एरिया, मतलब आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया था नरेगी कैंटोनमेंट एरिया के। अब था क्या इसके, जैसे ये मान लो कि ये कैंट का एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है, इसके आसपास क्या किया आर्मी वालों ने, यहाँ पे लोहे की बड़ी बड़ी कीले हैं वो गाड़ दी जमीन में ताकि हाथी वगैरह इधर ना आए। तो होता क्या था, रात को जब हाथी वगैरह इधर आते या मूवमेंट करते तो वो कीले वगैरह उनके पैरों में चली जाती थी, जिसकी वजह से उनमें काफी मतलब मौतें होने लग गई थी हाथियों की। अब यहाँ पे एक डिजीज होती है जिसका आपको नाम ध्यान रखना हुआ है, यहाँ पे सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मेनली वो डिजीज होती है एलिफेंट में बोल सकते हो, फिर और भी जानवरों में। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड का फ्लो है वो काफी तेजी से होने लग जाता है, मतलब रक्त प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बस छोटी सी न्यूज थी, तो भी न्यूज में आया था अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बताओ कि भाई है किधर। नेक्स्ट जो फिर आर्टिकल है उसमें एग्रीमेंट्स हैं। देखो वैसे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट है जो अभी इंडिया ने रेक्टिफाई किया, तो यूपीएससी इन पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकती है कि अभी इंडिया ने जो एग्रीमेंट का नाम दे देगी कि नाइस एग्रीमेंट, वियना एग्रीमेंट, लोकोनो एग्रीमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, IPR से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, या फिर एक तरीके से मतलब डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड वगैरह। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लेके ये ट्रेड है वो जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया इंडिया ने। नीस एग्रीमेंट है, वियना है और लोकार्नो है। नीस एग्रीमेंट में है क्या, नीस एग्रीमेंट का देखो मतलब सीधा सीधा यही है कि जो ट्रेडमार्क है इसको रजिस्टर करवाने के जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विस है उनको इंटरनेशनल लेवल पे वर्गीकृत या डिक्लासिफाइड किया जाए। इसके बाद में है वियना एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है वो है कि जो ट्रेडमार्क का जो भी सिंबल है, प्रतीक है, जो भी आप यूज करते हो उसको इंटरनेशनल वर्गीकरण से रिलेटेड है। इसके साथ ही जो यहाँ पे लोकोनो एग्रीमेंट है वो इंडस्ट्रियल जो डिजाइन होती है उनसे बिलोंग है या उनके IPR को लेके बिलोंग है वो करता है। तो मेनली ये ध्यान रखना आपको, नीस एग्रीमेंट, वियना और लोकोनो जो एग्रीमेंट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कोई एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने अभी साइन है वो की है। इसका बेनिफिट क्या होगा इंडिया में कि इंडिया के पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा करेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें इसका फायदा हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।